हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन स्टडी सेक्टर। दोस्तों, एक नई एनर्जी के साथ और एक नई अपडेट और एक नई नोटिफिकेशन के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं। आज की वीडियो में आप लोग एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी जानेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या, वो आपको थंबनेल देख के पता चल गया ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे केवाईसी क्या है और केवाईसी क्यों ज़रूरी है, ये पूरी बातें आज हम हिंदी में जानेंगे। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है या पेटीएम है तो आप ऑनलाइन पेमेंट ज़रूर करते होंगे और आपने वहाँ पर केवाईसी ज़रूर देखी होगी कि वहाँ पे लिखा हुआ आता है केवाईसी इज़ नीडेबल। तो आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, तो आज इस वीडियो में इसी चीज़ का खुलासा होगा। जिन लोगों को इस बारे में पता है उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही यूज़फुल है जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही स्टडी सेक्टर की नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, केवाईसी एक तरीके का फॉर्म होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। बैंक में अकाउंट खुलवाना हो या फिक्स डिपॉजिट करवानी हो या म्यूचुअल फंड्स खरीदने हो या फिर आपको लोन लेना हो, बीमा लेना हो, तो इसमें आपसे केवाईसी फॉर्म भरवाया जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि किसी कंपनी या किसी बैंक को अपने ग्राहक के बारे में सारी जानकारी पता चल जाती है और उससे अपनी जानकारी वो जानना चाहता है। ये एक तरीके का फॉर्म होता है जिसे कस्टमर को भरना होता है, जहां आपकी आइडेंटिटी और आपका एड्रेस, आधार, पैन नंबर और आपके आइडेंटिटी कार्ड इलेक्ट्रॉनिकल वेरीफाई किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब सभी काम डिजिटल नहीं हुआ करते थे तो आपको याद होगा कि आपको जब भी कोई मोबाइल सिम खरीदनी होती थी तो आपको अपनी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ती थी, आधार कार्ड से आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती थी। लेकिन राइट नाउ आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली, आपको सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉनिकल वेरीफाई करवाया जाता है जिससे कि आपकी सारी आइडेंटिटी उनको वहीं मिल जाती है। तो ये एक केवाईसी होती है जिसके थ्रू वो आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम वगैरह जान जाते हैं। केवाईसी के माध्यम से कोई भी किसी भी चीज़ का अगर गलत इस्तेमाल कर रहा हो, लाइक अगर आप किसी सिम का गलत इस्तेमाल कर रहे हों तो, और या किसी बैंक खाते का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको आराम से लगाया जा सकता है कि फ्रॉड किसने किया है। केवाईसी एक ऐसा तरीका है जिससे कि व्यक्ति की पूरी जानकारी बैंक या कंपनी के पास रहती है और ये किसी भी प्रकार के धोखे से बचाती है। केवाईसी फॉर्म भरवाने का मुख्य जो मेन मोटो है वो ये निश्चित करना है कि जितने भी अनजाने आपराधिक तत्व बैंक प्रणाली यानी बैंक सिस्टम में अनुचित प्रयोग और अपनी गतिविधियों के लिए ना करें। बैंक भी अपने कस्टमर्स की केवाईसी के द्वारा बेहतर तरीके से समझ सकती है या इसी के माध्यम से समझ सकती है। और अगर आप अपनी केवाईसी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नीडेबल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो नीडेबल डॉक्यूमेंट्स ये हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड। इन ये सारे के सारे केवाईसी करवाने के लिए नीडेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर कोई एक ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इनमें से कुछ तो होने ही चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ केवाईसी क्यों ज़रूरी है। केवाईसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब आप कोई संस्था अपने कस्टमर को कोई सेवा देती है, उनकी पहचान करने के लिए केवाईसी करवाती है। बैंक भी बहुत से मामलों में सामने आया है जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी के द्वारा कई लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं जिससे कि बैंकों को बहुत नुकसान होता है। तो उसी सुरक्षा के लिए केवाईसी नीडेबल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने अपने मोबाइल में केवाईसी करवा रखी है या नहीं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई नोटिफिकेशन, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए स्टडी सेक्टर को, तब तक के लिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट से अप टू डेट रहने के लिए स्टडी सेक्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।